हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने बोला था क्वेश्चंस को. सो मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करना है वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश माइनस टू ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो. मेरी कंडीशंस ये दे रखी हैं. अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मैंने बताया था विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट और विद वेरिएबल कोफिशियंट. तो पिछले वाला कॉन्स्टेंट का क्वेश्चन था, ये वाला वेरिएबल का क्वेश्चन है. अब अगेन सबसे पहला स्टेप यह है, मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा अपनी इसमें इक्वेशन में जो मेरे को दे रखी है, मेरे को सॉल्व करने को बोलिए. लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा दिया तो लैपलेस ऑफ दिस वाई डबल डैश वुड बी, आप अगर देखेंगे तो एस स्क्वायर वाई बार एस प्लस एस y 0 माइनस 0, ये इसका हो गया. प्लस इसका देखता हूं ए वाई डैश का, तो उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला देखना है और सिंपली कर देना है. a को मैं बाहर ले लेता हूं, a के बाद ये आ जाएगा आपका यहां पर s y माइनस y 0. अब इसका ले लेता हूं, इसके में आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो मतलब 2a स्क्वायर बाहर आ गया आपका और y का y बार हो गया इक्वल टू 0. नाउ मैं चाहूं तो कंडीशंस इधर ही रख दूं या फिर बाद में भी रखूं, तो कंडीशंस देख लेता हूं. y 0 को की जगह मुझे 6 डालना है, तो s स्क्वायर y s प्लस 6, y डैश 0 की जगह 0 डालना है मुझे, ठीक है. तो 0 प्लस a s y बार, y डैश 0 की जगह नहीं, यहाँ पर तो 0 है सिंपल, तो यहाँ पर फिर से 6 डाल दिया माइनस 2 a स्क्वायर y बार इक्वल टू 0. इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ना अपना जो y बार वाली चीज़ें हैं उनको बाहर ले लूँगा. y बार वाली जैसे कि एस स्क्वायर, यहाँ से एक एस आ गया मेरे पास बाहर, ए एस, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एस आ गया और यहाँ पर माइनस टू ए स्क्वायर बाहर आ गया और बाकी की चीज़ें यहाँ पर मैंने डाल दी एस प्लस ए. और मैंने आपको बताया था कि वाई बार मुझे अकेला चाहिए होता है ताकि मैं इजीली इसको पार्शल करके इसमें अपना लैपलेस इनवर्स लगा दूँ. तो इस तरह से ये इसको मैं नीचे भेज देता हूँ 2a स्क्वायर. अब इसका पार्शियल आप लगा देंगे, अगर इसमें पार्शियल लगाएंगे तो आपका ये कुछ इस तरह टूट जाएगा, 4s माइनस ए प्लस 2s प्लस 2a बाय पार्शियल, ठीक है. अब ये चीज मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आती है पार्शियल लगानी. ये लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा इसमें इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, एल इनवर्स ऑफ y बार और एल इनवर्स ऑफ 4s माइनस ए प्लस एल इनवर्स ऑफ 2s प्लस 2a. अब आप देख रहे होंगे कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन मेरा. ये लैपलेस इनवर्स आपने अगर बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपको याद आ जाएगा कि ये होगा 4e to the power ax, क्योंकि x और y में ही हम लोग एप्लीकेशंस में डील करते हैं, 2e to the power minus 2ax. सो अब आप अगर देखेंगे तो हमने ये जो रिजल्ट है बड़ा ही इजीली निकाल लिया, जबकि जब मैं ट्रेडिशनल मेथड से करता था तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री CFPI निकालना पड़ता था, अलग अलग मेथड थे. इधर सिर्फ दो ही मेथड थे, इजी भी था और मेथड एक ही है, मतलब दो चीज़ के हो सकते हैं, या तो वेरिएबल कोफिशियंट या कांस्टेंट कोफिशियंट. फिर भी आपने देखा होगा कुछ अंतर पड़ता नहीं है, हमारे लिए बहुत इजी रहता है. मेथड आपका सेम ही रहेगा, पहले लैपलेस लगाना है, कंडीशंस डालनी है, उसके बाद लैपलेस इनवर्स लगाना है और आपका क्वेश्चन हो गया. सो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, इन दो क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें. इसके बाद भी एक और वीडियो है इसी सीरीज का,
उसको आप तब प्रैक्टिस करें जब आपने यहां तक कर लिया है, यहां तक अगर आपको ढंग से आ गई है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये अलग थोड़े से क्वेश्चन है, मतलब है सिंपल ही पर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आए भी ना भी आए पर अगर आए तो आप करने लायक होने चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले यहां तक कर ले। अगर आपने यहीं तक कर लिया है तो भी ठीक है, इसके अगले दो क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।